अभी हम लोग चाय पी रहे हैं गाइस, यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। और यहाँ गाइस दोपहर के 12 बज रहे हैं, बस हालत देखो पहले। अभी गाइस हम लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं ना। और हम लोग ने फिलहाल शॉपिंग कर रही है और हम लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं मथुरा गोवर्धन के लिए। फिर आगे प्रेम मंदिर वगैरह सब जगह होके आएंगे, तो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी वहाँ पे भी गर्मी, और दर्शन वगैरह भी कर लेंगे। छुट्टी ख़त्म होने वाली है दोनों भाइयों की, चलते हैं फिर। और चाचा भी आए थे, वो भी चले जाएंगे। अभी गाइस शाम के 8:30 बज रहे और मैं नहाने जा रहा हूँ और हम लोग बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे थे। तो मैंने सोचा पहले एक बार वीडियो शूट कर लेते हैं, बाकी बैग वगैरह हमने टांग लिया। सॉरी 9:10 हो गए भाई। अभी मैं नहा धो के आ चुका हूँ और पसीना देख लो कितना, ये नहाने के बाद भी इतनी गर्मी यहाँ पे हो रही है कि पसीना ही पसीना हो रहा है। फिलहाल हम लोग रेडी हो गए, ठीक है। ये कपड़े एक बैग में टांग लिया, बाकी एक डेढ़ दिन के लिए जा रहे हैं। आज जाएंगे, कल परसों का, कल रात या मॉर्निंग वापसी कर लेंगे। रात का खाना लिया इसमें और इसमें लाइफ जय आनीरा को रुक जाओ। गोवर्धन जी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। अभी हम लोग रुके हैं एक जगह ढाबे पे, शिव ढाबा, और वेट कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं। टाइम हो गया है, डेढ़ बज चुका है फिलहाल, और फिलहाल चलते हैं। लो ऐसे खड़े रहो। तो गाइस अभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर। चाय तो दिखाओ, देखो चाय काफी अच्छी टेस्टी है शिव ढाबा में। बाकी थोड़ी देर का रास्ता है, 1.5-2 घंटे का हो जाएगा पार। वो भी अभी गैस भरवानी पड़ेगी, है ना चाचा? उसके बिना काम नहीं होना। पर चाय बड़ी टेस्टी लग रही है यार, कुल्हड़ के अंदर जैन सी बोतल उठा लो चाचा। तो गाइस हम लोगों ने यार चाय वाय पी ली है, सेंटर फ्रेंस ले लिया है, चिप्स ले लिया है, और चिप्स ले लिया जिसकी नाइट्रोजन निकल गई है। और हम लोग बस निकलने जा रहे हैं अभी यहाँ से, यहाँ से निकल रहे हो ढाबे से। तो यहाँ पे शूटिंग चल रही है, यहाँ पे बंदे वीडियो बना रहे हैं। चाची रील बना रही है, होगा कुछ नहीं। बाबू हम कहाँ जा रहे हैं, चलो वीडियो बनाओ। कहाँ जा रहे हो आप? देखो गाइस कैसे बैठा हुआ है, हमारा नाश्ता चल रहा है। गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े हैं। गाड़ी हमारी पार्किंग के लिए गई है, बाकी देखते हैं अभी कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं तो कोई आइडिया नहीं है फिलहाल हमारे को। और वो तो पार्किंग में गए, पार्क गाड़ी परसों तो उसी में था। अभी का गाइस टाइम कुछ यूँ है कि 3:15 हो चुके हैं और हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है फिलहाल अपनी, ये पीछे खड़ी। कान्हा जी को सुला रहे हैं और बस पूजा के लिए निकलना है गोवर्धन की। बाकी पूरा दिखा देता हूँ कैसे। गाइस हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है, बाकी जल वगैरह भी दूध वगैरह चढ़ता है आगे, कहीं सुना था हमने भी वीडियो वगैरह देखी थी, तो वो यहीं कहीं से चढ़ेगा। वो भी जहाँ चढ़ेगा वो भी जगह दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में जब पहुँचते हैं। बाकी यहाँ पे लोग वगैरह बैठे हैं, खाना नाश्ता पानी जो भी है, और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। अब इसको लेके जाना इतनी दूर, सो रही है, हाथ में दर्द शुरू हो गया मेरे को अभी से, सो तो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी कुछ, और हालत डाउन हो रही है। ये है मंदिर जहाँ पे चढ़ेगा दूध, और एंट्री हो रही, काफ़ी लोग यहाँ पे, जहाँ भी शॉप्स वगैरह रहती हैं जो तो हैं। और ये मंदिर है, फिलहाल अंदर चलते हैं यहाँ पे। ये 20-20 रुपए की थैली, दूध की थैली है यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि हम आगे अंदर जाके चढ़ाएंगे। और चाचा बोलिया है चलते हैं अंदर। ये देखो चलो गाइस अब लोग चलते हैं अंदर की तरफ, और चलाते हैं दूध।
तो स्टार्ट करते हैं अपनी परिक्रमा। यहाँ पे चढ़ रहा है दूध, यहाँ से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगे, वो दोनों भाग रहे हैं, अपन लोग ही चलते हैं। और चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी, खाली पड़ा है। 12 किलोमीटर की बड़ी वाली है, 9 किलोमीटर की छोटी वाली है। थोड़ी कम है यहाँ पे, अंधेरा हो रखा है इसलिए, और बगल बगल में व्यू काफी अच्छा है। दिल्ली से मौसम काफी यहाँ पे सही भी है, जिस हिसाब से दिल्ली में व्यू है ना उस हिसाब से तो काफी सही है यहाँ पे व्यू, मतलब मौसम भी काफी सही है, बारिश वगैरह हुई है ना यहाँ पे तो बड़ी। यहाँ पे आवाज सुनो भाई, मेंढक की आवाज, अभी तक गाइस हम लोगों ने 4.5-3 किलोमीटर करीब अप्रोक्स पार करा होगा और फिलहाल अभी चल रहे हैं। 4:30 हो गए, 4 बजे हमने परिक्रमा शुरू करी, 4 से पहले ही शुरू कर दी थी और ये दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि पैसे ज़्यादा में फेस नहीं आ रहा। अभी गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं अप्रोक्स, 4 बजे हो रहा है और हम लोग करीब 6 किलोमीटर आ चुके हैं, आई थिंक आधा किलोमीटर हमने पार कर लिया है। ठीक है, और सुबह मॉर्निंग होने लगी यहाँ पे सुबह। ये देखो गाइस मौसम कैसा बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, और इस साइड तो भाई मेंढक की मैं करी जा रहे हैं। इसे देखो मिट्टी में बैर, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट है गाइस, इस साइड इधर चलने में सॉफ्ट है वहाँ से ज़्यादा। और चाचा और हंसु दोनों, तीनों जने मतलब दोनों चाचा और हंसु आगे चले गए भाई, देख रहे भाई दलदल हो रहा है, बाकी पैर में मिट्टी लगी। मगरमच्छ भी रहते होंगे इसमें, देखो पहाड़ से दिख रहे ना। अरे ये शुरू हो रहा है, पेड़ देखो कितने, पेड़ देखो कितने, जंगल टाइप है पूरा ये, जैसे 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 पहाड़ पे होते हैं, लगाए क्या है जैसे पहाड़ों पे होते हैं। अभी हम लोग गाइस आधा किलो मतलब आधे रास्ते से प्लस आ चुके हैं और 6 बज गए सुबह के, बाकी हम 4 जने यहाँ पे, 3 जने आगे चल रहे हैं वो लोग। हम लोग यहाँ पे भी भाई 2 घंटा हो, हम लिटरली बता रहा हूँ 4 से 2-6 आधे रास्ते आने में, अब उतना ही रह जाएगा, पता नहीं कितनी देर में लगेगा। वो पैर भाई लिटरली नंगे पैर हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, और बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है, अगर जूता शायद होता तो शायद जल्दी पहुंच जाते हैं। आप लोग गाइस यहाँ का व्यू देखो, आप लोग गाइस एक बार यहाँ का व्यू देखो कितना जेन्युइन है, बता रहा हूँ दिल्ली में तो भाई ऐसा कहीं का मैंने देखा ही नहीं। यहाँ की हवा वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, और बंदर आ रहे हैं भाई, वीडियो बंद करना पड़ेगा, छीन ले जाते हैं फ़ोन यहाँ पे। मीटर रह चुके हैं जो कि बड़ी परिक्रमा थी उसको कंप्लीट करने में, वो भी 1200 मीटर 15-20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, अगर रुकी नहीं तो पहुंच जाएंगे जल्दी से। फिर नहीं छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है, और पैर हो गए सूज गए बिल्कुल ही ज़्यादा, पैर का हाल भी दिखाऊंगा, अभी एक जगह रुकूंगा जब। हमारी गाइस फर्स्ट परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड के लिए स्टार्ट कर दिया मतलब जो कि 9 किलोमीटर की है इस समय, और चल रहे हैं फिलहाल, चलने की हिम्मत है नहीं लेकिन फिर भी चल रहे हैं, कोई बात नहीं। गाइस ये रहा यहाँ का बोर्ड, ठीक है, और अभी राधाकुंड जाना है हमारे को जो कि है करीब। गाइस यहाँ से राधाकुंड पड़ेगा 4 किलोमीटर और टोटल 8 किलोमीटर का ये रास्ता है, बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, 9 किलोमीटर का टोटल रास्ता हो रहा है ये, 1 किलोमीटर चल जाए तो अब यहाँ से 8 किलोमीटर मैक्सिमम रह गए, और
मतलब वहाँ पे कुंड 4 किलोमीटर पड़ेगा, 4 किलोमीटर आई थिंक वापसी का पड़ जाएगा, तो इतना ही है बस, बाकी पूरी डिटेल देखते रहना। चाचा जा रहे हैं, अभी गाइस हम लोग यहाँ बैठे हुए थे परिक्रमा करते हुए और हमें यहाँ पे बाबा जी मिले, राधे राधे बाबा जी। और इनसे मिलके भाई 10-15 मिनट हम यहाँ बैठे और इनसे मिलके मज़ा आ गया भाई, इन्होंने थोड़ा ज्ञान की बातें भी बताई, हम लोग ने सुनी, अच्छा लगा। यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बरसाना के 2 बार परिक्रमा कर चुके हैं, 3री बार लगे हुए हैं, जा रहे थे रास्ते मिले काफ़ी देर बाबा जी से बैठ के करे, आनंद बहुत मिला। अब बाबा जी भी व्यस्त है, अभी परिक्रमा के लिए गाइडलाइन दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। बाबा जी फोन चलाते हो? अब ना चले बेटा फोन। गाइस दोपहर के 12 बज रहे हैं और हालत देख लो, पहले धूप इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर और प्लस हम लोग इतने थक गए, पैरों में छाले हो गए चल चल के, एंड टाइम में हमने रिक्शा भी कर लिया, बाकी स्टोरी बाद में। ओके तो गाइस हम लोग अभी कहाँ से निकल रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करके निकल रहे हैं और दोपहर के 12 बज गए हैं और चाची चल रही है ना भाभी, सुना है मानसिक जगह में नहाने का भी था, हम भी नहीं चल पा रहे थे, ये भी नहीं चल पा रहा था, तो निकल रहे हैं वृंदावन के लिए निकल रहे हैं, येलो ब्लॉग एंड करके वहां पे न्यू ब्लॉग शूट करते हैं, यमुना का पानी होगा ठीक है ना।